हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठे मंजर के मुसाफिर, मंजर भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और जब ये मिलेगी, ये वर्दी पहन के आप आओगे अपने घर वालों के सामने, अपने माता पिता के सामने, तो उनका गर्व से सीना इतना हो जाएगा, आप सोचेंगे हाँ यार, हमने एक शेर को जन्म दिया है। तो दोस्तों मैं बता दूं, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन ड्राइवर भर्ती 2023, जो मैं आपके लिए जो फर्स्ट लाइन में बोलता हूँ, केवल आपको मोटिवेशन प्रदान करने के लिए होती है। क्योंकि कई बंदे क्या होते हैं, किसी न किसी कारण से थक जाते हैं, हार जाते हैं और बोलते हैं यार अब हमें नौकरी नहीं लग पाएंगे। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है, कुछ भी इस दुनिया में मुमकिन नामुमकिन नहीं है। हाँ, हो सकता है किसी को 2 साल पहले नौकरी मिल जाए और किसी को 2 साल बाद में नौकरी मिल जाए, ये हो सकता है। अब कई कैंडिडेट बोलेंगे सर मेहनत करेगा उसको सफलता मिलेगी, मेहनत करेगा उसको सफलता 100% मिलेगी, पर बता दूं किस्मत होती है ना, किस्मत ये किस्मत। अब कई कैंडिडेट बोलेंगे किस्मत क्या होती है दोस्त, किस्मत भी होती है, किस्मत भी बहुत बड़ी चीज होती है। जिसने अभी फाइनल मेरिट में रहा हो उसको पता होती है, जो बंदा 0.25.02 से रहता उसको पता होती है किस्मत क्या चीज होती है। तो दोस्तों किस्मत उनसे जाके पूछो आप, किस्मत बड़ी चीज है और किस्मत से ही बंदे नौकरी में यहाँ पर मानता हूँ लगते हैं। 10% चलो 90% आपकी मेहनत है, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ आपकी मेहनत नहीं है, पर जो 10% होती है ना वो किस्मत होती है और किस्मत से बंदे नौकरी मिलती है। पर कई कैंडिडेट यहाँ पर टूट जाते हैं, हार जाते हैं, थक जाते हैं, मेरी एज हो चुकी है, अब मेरी एज निकल चुकी है, अब मेरे को ये तैयारी नहीं करनी है, मैं कहीं जॉब करूंगा वो करूंगा। पर दोस्त मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जब तक आपकी एज आपके एज रिलैक्सेशन, जैसे ओबीसी को 3 साल की छुट्टी, एसएससी को 5 साल की छुट्टी मिलती है, वो एज रिलैक्सेशन आप पार नहीं कर रहे, तब तक आप तैयारी करते रहो। क्योंकि जो आपने कैरियर चुना डिफेंस का, जो आपने कैरियर चुना डिफेंस में, उसमें जाने की हर किसी की हिम्मत नहीं होती, जवानी बर्बाद करने की ताकत हर किसी में नहीं होती दोस्तों। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कोई किस पॉइंट नहीं बताएगा, इसके लिए बहुत कुछ और बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। तो बात करते हैं यहाँ पर, तो सीआरपीएफ की भर्ती आ रही, वो आ रही, टोटल पोस्ट आ रही, वो आ रही 6,000 पोस्ट के ऊपर, जिसके अंदर 3,000 प्लस पोस्ट आपकी ड्राइवर की रहने वाली है और आपके लगभग 2,700 पोस्टों के लगभग आपकी रहने वाली है ट्रेनर, जिसके अंदर सारे कुक, बारबर वगैरह सारे होंगे। अब कई कैंडिडेट बोलेंगे सर सारे बता रहे 3,000, दोस्त मैं बता रहा हूँ आपको 6,000, क्योंकि मैं आपको जो जानकारी देता हूँ वो रियल देता हूँ, ये नहीं है कि आपको फेंक देता हूँ। अभी बता दो आपको एक डेट और बताऊंगा मैं आपको, कोई आपको डेट नहीं बताएगा, पर आपको मैं डेट बताऊंगा, इस डेट के बाद आपका नोटिफिकेशन आना संभव है। बात करता हूँ यहाँ पर, देखो जब आपका एचसीएम की भर्ती आ गई, सबसे बड़ा सीआरपी के बीच में रोड़ा ये अटका रहा था, रोड़ा समझ गए, ये आर ऐसे खड़ा था भाई, हाँ मैं हूँ, इससे आगे तेरे को नहीं जाना है। अभी इसके बीच में आपका पैरामेडिकल स्टाफ एक और, बस ये दो चीज, ये एक तो क्लियर हो चुका है, अब इसका केवल रिटर्न हो जाएगा, ये चीज आपको बता दूं। अब बात करूंगा देखो कब तक क्या हो सकता है, न्यू भर्ती कब तक आएगी ये चर्चा करेंगे, ऑनलाइन डेट क्या होगा वो चर्चा करेंगे, योग्यता क्या होगी, एक्सपीरियंस ये क्या, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। देखो किसी भी भर्ती में यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो उसमें सिलेक्शन प्रोसेस पता होना बहुत जरूरी है। यदि उस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस आपको नहीं पता तो आप कभी उस भर्ती में सिलेक्शन नहीं हो सकते, ये चीज मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको कोई नहीं बताएगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए, आपको पता नहीं अगला कदम कहाँ जाएगा तो आप क्या पास करोगे। अब कई कैंडिडेट बोलेंगे सर इसमें पहले दौड़ होगा, कई कैंडिडेट बोलेंगे इसमें होगा, तो मैं बताऊं दोस्तों आपको एक चीज आपने सुनी होगी, कई मानो रिटर्न आपके मन में हो गया भाई मेरे रिटर्न होगा पहले, तो रिटर्न पहले होगा आपको पता है भाई, पहले इसमें दौड़ होगा आपको पहले पता है भाई रिटर्न होगा, आप बोल रिटर्न होगा तो रिटर्न की आप तैयारी कर रहे हो, फिजिकल पहले हो गया तो आप क्या करोगे, आप फेल हो जाओगे, वही पार हो गई, मतलब आप तो पहले स्टेप भी पार नहीं कर पाए। तो देखो दोस्तों सबसे पहले बता दूं इसके अंदर आपको रहता है PAT PST, जिसको बोलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, ये होता है सबसे पहले। इसके बाद में देखो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका नॉर्मली कहीं भी आपका 1600 मीटर की रेस 6:30 होता है कई ट्रेड में, और कई ट्रेड में 1600 मीटर की रेस 10 मिनट के अंदर भी होता है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो वो बात अलग है, उसकी छोड़ो आप, बता दो वो जब नोटिफिकेशन आएगा तो वो देख लेंगे कौन कौन सी ट्रेड में क्या कुछ रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद में आपको होता है यहाँ पर DV, जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नॉर्मली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एक दिन की फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप आपका ये रहने वाला है, फर्स्ट स्टेप आपका ये रहने वाला है। सेकंड स्टेप की बात करूं, सेकंड स्टेप होता है आपका रिटर्न एग्जामिनेशन। रिटर्न एग्जामिनेशन को 2 भागों में यहाँ पर डिवाइड किया जाता है, 50 नंबर का आपका ट्रेड से रिलेटेड और 50 नंबर का आपका पूछा जाता है मेरे दोस्तों, यहाँ पर आपका जो पूछा जाता है ना वो पूछा जाता है आपका रीजनिंग, मैथ, जीके, हिंदी, ये चीज आपको 50 नंबर का पूछा जाता है। टोटल जो ट्रेड से रिलेटेड, ट्रेड में जिसने महारत हासिल है वो बंदा सीआरओ ट्रेड्समैन में सिलेक्शन ले लेता है। आपको ट्रेड के क्वेश्चन वगैरह कहाँ से मिलेंगे, क्लासेस वगैरह कहाँ से मिलेंगी, तो आपका भाई आपको ऑल इंडिया जॉब में 0.2% करवाएगा, बल्कि आपको स्पेशली बता दूं
ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 यूट्यूब चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां पर भी आपको खुलाएगा। 0.1 है ध्यान रखना, 0.2 ऑल इंडिया 0.1 वहां पर भी आपको डिस्क्रिप्शन में करा दूंगा दोस्तों। ये चीज आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहां पर आप ये क्लास करा दूंगा, ठीक है। रिटन एग्जाम होने के बाद में आपका ध्यान रखना, एक चीज आपको कोई नहीं बताएगा, अभी बता रहा हूँ ध्यान से सुन लो। रिटन एग्जाम होने के बाद में आपकी होगी मेरे दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, आपको होता है यहाँ पर मेडिकल। आपका एक मिनट बोलेंगे सर ट्रेड टेस्ट, देखो मैं बताऊँ आपका किस प्रकार से होता है। तीन गुना बच्चों को वो पास करते हैं ट्रेड टेस्ट के लिए, तीन गुना कर सकते हैं, चार गुना कर सकते हैं, वो कभी कभार 10 गुना तक कर लेते हैं, पर यहाँ तक जहां तक अनुमान है 3 या 4 गुना पास करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट आपका होगा, ट्रेड टेस्ट जो बंदा पास करेगा ना उसका तुरंत उसी दिन मेडिकल हो जाएगा, तुरंत उसी दिन क्या हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, मतलब वो तुरंत सीआरओ निपटारा कर देगी इस भर्ती का। कई आप ये बोल रहे हैं इसका 2-3 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, दोस्त ये कोई डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है रिक्रूटमेंट पॉलिसी, रिक्रूटमेंट को किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है वो डिपेंड करता है। अभी तो आपका टाइम लगने वाला नहीं है, क्योंकि 2023 के अंदर तो सब सब आदेश आ चुके हैं सीएपीए को, सारे आपका सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज को, कि 2023 दिसंबर से पहले पहले आपकी सारी भर्ती जो भी पेंडिंग है उन सारी भर्ती को कंप्लीट करो, जो नहीं निकाल रहे उनको भी कंप्लीट करनी है। तो इसको भी भर्ती का तुरंत मेडिकल होता है और मेडिकल के तुरंत आपका फाइनल मेरिट आती है और आप ज्वाइनिंग मिल जाती है, ठीक है। इस तरीके से मतलब तुरंत नहीं, लगभग 45 दिन के अंदर आ जाती है इसकी, ठीक है। ये चीज तो हो गया इसका सिलेक्शन प्रोसेस, इसका पता चल गया। अब देखो मेरे दोस्तों एक्सपीरियंस की बात बोलो, कई ट्रेड में आपका एक्सपीरियंस मांगा जाता है, जैसे बार्बर हो गया, बार बार में एक्सपीरियंस मांगा जाता है सीआरपी में, हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। इसके अलावा जैसे आपका यहाँ पर कोबलर हो गया, कोबलर में भी एक्सपीरियंस है, आईटी आपके पास होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस, या फिर कुक हो गया, कुक में भी मांग लेते हैं, सफाई कर्मचारी में नहीं मांगते, ये चीज आप ध्यान रखना, सफाई कर्मचारी में एक्सपीरियंस नहीं मांगते। तो यहाँ पर बता दूं आपका ट्रेड में आपका ट्रेड का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, ट्रेड का एक्सपीरियंस आपको है, बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बना तो जब वैकेंसी आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, कैसे आपको बनाना है, कहाँ से बना सकते हो, कहाँ कहाँ से नहीं बना सकते हो, वो डिटेल में आपको बना दूंगा, वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसकी टेंशन आप बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। एक्सपीरियंस योग्यता आपकी 10th पास होनी चाहिए, ओनली फॉर सिंपल, आप 10th पास हो किसी भी बोर्ड या किसी भी यूनिवर्सिटी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे बाय ग्रेस पास हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें फॉर्म भरोगे आप इसमें नौकरी ले सकते हो। ये नहीं है कि आपकी ग्रेस है, आपकी 33% है, आपकी 40% है, आपकी 35% मायने रखता है, यहाँ पर आपका दिमाग मायने रखता है कि आपने रिटर्न में किस तरीके से किया है, वो चीज मैं नोट रखता है। 10वीं क्लास यहाँ पर मायने रखती, 10वीं क्लास केवल आपका ये प्रूफ करती है कि आप 10वीं पास हो और आपकी डेट ऑफ बर्थ ये प्रूफ करने के लिए 10वीं क्लास की मार्कशीट मांगी जाती है, बल्कि आपको यहाँ पर जो प्रूफ करता है ना वो रिटर्न एग्जाम में आपको प्रूफ करना है, और जो बंदा रिटर्न में मारेगा बाजी वही बंदा यहाँ पर सिलेक्शन होता है। बात करता हूँ यहाँ पर न्यू भर्ती कब आ रही है, तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाकर बताया कि 26 जनवरी के बाद ही कुछ इसका अपडेट आएगा, 26 जनवरी के बाद ही कुछ इसका अपडेट आएगा, और हो सकता है इसका अपडेट 26 जनवरी या 27 जनवरी या 28 जनवरी तक आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल भी जाए, ये मैं आपका 99% तक नहीं बोल सकता, बल्कि यहाँ पर बता दूं 95% तक बोल सकता हूँ कि 26 जनवरी तक आपका यहाँ पर आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बात करता हूँ यहाँ पर ऑनलाइन आपकी अपडेट की, तो बताऊँ आपका फरवरी मध्य के अंदर आपके यहाँ पर फॉर्म भरे जा सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना, फरवरी मध्य के अंदर ये फॉर्म भरे जा सकते हैं सीआईएफ ट्रेड्समैन एंड ड्राइवर भर्ती। ड्राइवर वाले ध्यान में सुन लो, हेवी लाइसेंस है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, और ड्राइवर वाले तो भाई बंदे इतने ज्यादा सिलेक्ट होंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं, कि जिसने थोड़ा बहुत भी इतना सा भी पढ़ दिया ना तो वो बंदा भी सिलेक्ट होगा, और पढ़ना कहाँ से वो सबको पता है भाई, टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए नोट मिलते हैं, और टेलीग्राम चैनल से आप पूरा का पूरा आप सिलेक्शन ले सकते हो, सीआईएफ के जवान बन सकते हो। आपको बता दूं ये एक ऐसी फोर्स है जो सबसे ज्यादा ट्रेड्समैन की भर्ती निकालेगी, बंपर भर्ती आने वाले, इतनी अच्छी भर्ती आने वाले आप सोच भी नहीं सकते, 6000 पोस्टें बहुत होती है ट्रेड्समैन में, 6000 की पोस्ट है, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट आती है, और यहाँ पर ट्रेड्समैन में 6000 और ड्राइवर में 6000 पोस्ट है, यहाँ पर सोचो आप कितनी बड़ी भर्ती होगी। तो देखो आगे जो भी कोई अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी होगी इस भर्ती से रिलेटेड, वो आपको भाई आपको इस वीडियो के माध्यम से यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहेगा। बाकी देखो आगे की अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई।